समय बीता। महारानी सुनीति के एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम ध्रुव रखा गया, और सुरुचि के भी एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम उत्तम रखा गया। एकदा सुरुचे पुत्र मंक मारु पिलालयं उत्तमं नारुरुक्षंतं ध्रुवं राजा विनंदता। एक बार की बात है, श्री ध्रुव जी जो हैं अपने महल के नीचे अपने सखाओं के संग क्रीड़ा कर रहे थे। इतने में कोई उनका सखा कोई गेंद लेकर के आया और ध्रुव जी ने पूछ ली, भैया ये गेंद तुम कहां से लेकर के आए हो? बोले, ये मेरे पिताजी ने मुझको दी है। ध्रुव जी ने आज पहली बार पिता का नाम सुना। अरे ये पिता कौन होते हैं? मैंने तो आज तक पिता देखे ही नहीं, पिता कहां है? अपने सखाओं से पूछने लगे, मित्रों क्या तुम जानते हो मेरे पिता कौन है? बोले, जाओ जाओ अपनी मैया से जाकर के पूछो। ध्रुव जी पर रहा नहीं गया, अपनी मां के पास आ गए, मां से पूछने लगे, मां मेरे पिता कौन है? मां सोच में पड़ गई, अगर मैं बता दूं इनके पिता जो है राजा हैं तो ये मिलने की हट करने लगेंगे और वहां जाएंगे तो फिर से गृह क्लेश होगा, और यो मैं मना कर दूं कि तुम्हारे पिता है ही नहीं और मैं तो सुहागन हूं, मुझे पाप लगेगा, आखिर करें तो क्या करें? इतने में एक दासी बोल पड़ी, ध्रुव बेटा तुम्हारे पिता ना इस नगर के राजा है, उनका नाम है उत्तानपाल। मां मैं अपने पिताजी से मिल सकता हूं? ध्रुव तुम अभी अपने पिताजी से नहीं मिल सकते, जब बड़े हो जाओगे तब मैं स्वयं मिला करके लाऊंगा। ध्रुव जी का मन नहीं लगा, मां से बोल दिया, मां मैं नीचे खेलने जा रहा हूं, और खेलने के बहाने करके श्री ध्रुव जी जो है महल की ओर चल दी जहां महाराज उत्तानपाद रहते थे। उत्तमम नारुरुक्षंतम ध्रुवम राजा अभिनंदता। जैसे ही महल की ओर जा रहे हैं सैनिक उनको रोक नहीं रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है महाराज उत्तानपाद का ही अंश उनकी ओर चलता हुआ आ रहा है। जो भी सभा में पहुंचे, सभा में देखते हैं ध्रुव जी की महाराज उत्तानपाद बैठे, सुरुचि बैठी हुई है और महाराज उत्तानपाद अपनी गोद में सुरुचि के पुत्र उत्तम को लाड़ लड़ा रहे, उनको गोदी में बिठा करके खिला रहे। ध्रुव जी का भी मन करा कि मेरे पिता मुझे भी गोद में ले, मुझे भी प्रेम करें, और जो उत्तानपाद ने ध्रुव जी को देखा समझ गया कि ये मेरे ही पुत्र हैं, सुनीति के पुत्र हैं। मन में आया क्यों ना मैं इनको गोदी में ले लूं, जो आगे बढ़े। इतने में सुरुचि खड़ी हो गई, नावत्से नपते धीष्णम भवानारोढुमर्हति नागृही तो मया यत्वं कुक्षावपि नृपात्मजा। ध्रुव रुको रुको, तुम अपने पिता की गोद में नहीं जा सकते। क्यों? मैं अपने पिता की गोद में क्यों नहीं जा सकता? बोले, बालो असी वतनात्मान मन्य स्त्री गर संव्रतम नूनम वेदम भवान यस दुर्लभे अर्थ मनोरथा। ध्रुव तुम मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आओगे ना तभी तुम्हें पिता की गोद मिलेगी, अन्यथा तुम अपने पिता के पास जा भी नहीं सकते। ध्रुव सोच में पड़ गए, और सोचने वाली बात है, क्या एक पिता अपने पुत्र को गोद में भी नहीं ले सकता? एक पुत्र अपने पिता से मिलने की इच्छा भी नहीं कर सकता? बस इच्छा ही तो करी है, मिलने का मन ही तो हुआ है, गोद में ही तो लेना चाहते हैं, और इतने में आकर के सुरुचि ने मना कर दिया है, नहीं नहीं ध्रुव, अगर तुम्हें वास्तव में इस गद्दी पर या अपने पिता की गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरे गर्भ से ही जन्म लेना पड़ेगा। मां, मेरी मां ने कहा है कि आप मेरी छोटी मां है और आप ही मुझे पिता की गोद में बैठने से रोक रही हैं। बताइए मां, आपके गर्भ से जन्म लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नपासनम्। ध्रुव तुम वास्तव में अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो जाओ वन में जाकर के भगवान नारायण की तपस्या करो, और जब वे तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वरदान मांगना कि मुझे मेरी सुरुचि मैया के गर्भ से जन्म दो, तब जाकर के तुम्हें तुम्हारे पिता की गोद में बैठने को मिलेगा। ध्रुव जी से कुछ कहा नहीं गया, वहां से चल दिए।
राजा के एक मंत्री थे बूढ़े, मन में आया इतना छोटा सा बालक है, कहीं इतने सारे अपशब्द सुनकर के कुआं में यमुना जी में छलांग नहीं लगा दे, अपना देह नहीं त्याग दे, जाकर के देख के तो आऊं कहां जा रहा है। ध्रुव जी चुपचाप चुपचाप चल दिए अपनी माँ के पास, अब तक नहीं रोए, और जैसे ही महल की देहरी पर पहुंचे वहां पे जोर जोर से रोने लग गए। क्यों? रोना भी वहां आता है जहां कोई हमको सांत्वना देने वाला हो, क्यों कोई जहां पे कोई हमको चुप कराने वाला नहीं हो, रोना बंद कराने वाला नहीं हो, वहां पे रोना नहीं आता, अपनों के पास में ही रोना आता। जैसी माँ के पास पहुंचे, माँ ने जो ध्रुव जी का रोना सुना, माँ दौड़ी दौड़ी आ गई। अरे ध्रुव क्या हो गया बेटा, कहां चोट लग गई तेरे? मैया हाथ उठा करके देखे, सर में देखे, पूरे शरीर पे हाथ फिरा करके देखे, ध्रुव तेरे शरीर पे तो कहीं चोट नहीं दिखाई दे रही, फिर तू इतनी जोर से क्यों रो रहा है? इतने में वो मंत्री आ गए, महारानी ध्रुव के ना शरीर पर चोट नहीं है, अपितु इनके मन के ऊपर चोट है। पूरी राज्यसभा में जो जो हुआ पूरा दृष्टांत मंत्री ने महारानी सुनीति को सुना दिया। अरे ध्रुव तुम बेकार में ही इतने परेशान हो रहे हो, वास्तव में जीवन का जो अर्थ है वह तो भगवान की तप करना ही है, तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें भगवान का तप करने को ही तो कहा है, तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? मनुष्य का तो कर्तव्य होता है भगवान की तपस्या करना, भगवान को प्रसन्न करना, तुम्हारी माँ ने सच ही कहा है कि जाकर के वन में मनुष्य को तपस्या करनी चाहिए, किंतु ध्रुव सुनो जब भगवान प्रकट हो जाए तो उनसे ये मत मांगना कि मुझे महारानी सुरुचि के गर्भ से जन्म दे दो, अपितु ये मांगना ध्रुव कि आप भगवान मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करो। कोई और मैया होती कलिकाल की तो लड़ने को आ जाती, किंतु बात है ये सतयुग की, षष्ठी का आरंभ हुआ है, मां कह रही है ध्रुव तुम चिंता मत करो। आराधयाधो चजपाद पद्मम् यदीक्षसे ध्यासनमुत्तमो यथा यस्यांग्रि पद्मम् परिचर्य विश्व विभावनायात्य गुणाभिपत्ते। ध्रुव मेरा तो यही मन है, चलो हाथ पकड़ के सुनीति जो है भगवान नारायण का मंदिर था उनके महल में, उनके सामने लेकर के आ गए। ध्रुव ध्यान से देखो भगवान को। हाँ माँ देख रहा हूं। इस संसार में जितने भी लोग हैं उनके कितने हाथ हैं? माँ दो हाथ हैं, तुमसे कुछ छीनना चाहेंगे तो वे दो हाथों से छीन पाएंगे, किंतु जब तुम इनकी आराधना करोगे, इनका तप करोगे, इनको प्रसन्न कर लोगे, देखो इनके चार हाथ हैं, जब ये चार हाथ से तुम्हारी रक्षा करेंगे ना तो ये दो हाथ वाले मनुष्य तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ध्रुव जी प्रसन्न हो गए, हाँ माँ आप सत्य कह रही हैं, आपकी आज्ञा मान करके मैं अवश्य ही तप करने के लिए जा। माँ से आशीर्वाद लेके के ध्रुव जी वन में तपस्या करने को निकल गए। ध्रुव जी की आयु सिर्फ है ना अभी 5 वर्ष की है, और 5 वर्ष की आयु में घर छोड़ करके माँ को बोल करके, माँ अब मैं भगवान नारायण का तप करने के लिए जा रहा हूं, मुझे आज्ञा दीजिए, ऐसा कह करके माँ से चले दिए। ये सारा दृश्य जो है श्री नारद जी देख रहे थे आकाश से, मन में आया इतना छोटा 5 वर्ष का बालक ध्रुव वन में तपस्या करने के लिए जा रहा है, जरा जाकर के इसका विश्वास तो देखूं भगवान के चरणों में है कि नहीं। श्री नारद जी ध्रुव जी के पास पधारे। एवं संजल्पितं मातुरा कर्ण्या कर्ण्यार्थागमं वचा सन्नीय मे आत्मनात्मानं निशक्रमा पितु पुरा। पिता की बातों का बुरा मान करके, सुरुचि बातों का बुरा मान करके जैसे ध्रुव जी चलने लगे, इतने में उनके सामने श्री नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी कहते हैं ध्रुव बेटा रुको, एक बात बताओ। नाधुना प्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रका लक्षयामे कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। ध्रुव अभी तो तुम सिर्फ 5 वर्ष के बालक हो, जाओ तुम्हारे तो अभी खेलने कूदने के दिन है, जाओ जाओ घर लौट जाओ। नारद जी से पूछने लगे ध्रुव आप कौन है? बोले मैं नारद हूं।
यहाँ क्यों आए? बोले मैं तुम्हें वापस भेजने को आया हूँ, तुम अभी बहुत छोटे हो, जंगल में जाओगे कोई शेर चीता आ गया तुम्हें अपना भोजन समझ करके खा जाएगा, जाओ जाओ वापस लौट जाओ। और ध्रुव तुम्हारे माँ ने तुम्हारे पिता ने तुम्हारा अपमान क्या कर दिया, तुम इसलिए आ गए जंगल में, अभी तो तुम 5 वर्ष के हो, इतनी छोटी उम्र में क्या मान क्या सम्मान, जाओ जाओ घर वापस लौट जाओ, अभी तुम्हें शोभा नहीं देता जाकर के वन में जाकर के तपस्या करने। ध्रुव जी ने बोला महाराज मैं तो यहां आया हूं तो मैं भगवान से तप करके उनको प्रसन्न करके उनको मिलकर के ही जाऊंगा, ऐसे वापस लौटने वाला नहीं हूं। नारद जी ने बहुत सारे प्रयास करे किंतु ध्रुव जी नहीं माने, अपने वचन पर टिके रहे कि मैं तो तप करने आया हूं और तप पूर्ण करके भगवान नारायण के दर्शन करके ही वापस लौटूंगा। नारद जी समझ गए ये सिर्फ नाम का ध्रुव नहीं, इनका मन भी ध्रुव है। ध्रुव का अर्थ होता है अटल, जो एक बार मन में निश्चय कर लिया उसको पूर्ण करना। नारद जी समझ गए ये बालक ऐसा वैसा छोटा बालक नहीं है, इसको तो इसकी माँ ने एकदम सिखा करके भेजा है कि ये इसके मन में इसका जो मन है उसमें इसके ठाकुर जी को पाने की जो इच्छा है वह परिपूर्ण है, ये भगवान को पा करके ही लौटेगा। ध्रुव तुम भगवान का तप करने तो जा रहे हो, क्या तुम जानते हो भगवान को कैसे पाया जाता है? बोले नहीं, भगवान को कैसे पाया जाता है महाराज? बोले भगवान को पाने के लिए ना सबसे पहले जीवन में गुरु बनाया जाता है। ध्रुव जी कहने लगे हाँ महाराज मेरे गुरु है ना? बोले कौन है? बोले मेरे गुरु मेरी माँ है, उन्होंने ही मुझे विद्या दी, जाकर के वन में जाकर के तप करो, भगवान नारायण को प्रसन्न करो। वास्तव में शिशु के बालक के घर में जो भी संतान होती ना उनके जो सबसे पहली गुरु होती ना वे माँ होती है। माँ जैसे आचरण उन बालक के अंदर भर देती है वैसा ही आचरण जीवन भर वे बालक करते हैं। माँ के बाद पिता का कर्म होता है अपने शिशु को बालक को अच्छे 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 व्यवहार देना, सिखाना उनको कि कैसे जीवन में रहा जाता है। जो ये छोटी उम्र में बालक सीख जाते हैं वही जाकर के आगे जाके उनका आचरण बन जाता है, और जैसे संस्कार देंगे और वैसे ही संस्कार की वे उसमें ही बैठ करके वे अपना जीवन निर्वाहन करेंगे। श्री नारद जी कहने लगे ध्रुव माँ तो सबकी गुरु होती है किंतु भगवान को पाने के लिए आध्यात्मिक गुरु बनाना भी बड़ा आवश्यक है। बोले आध्यात्मिक गुरु नारद जी वो कौन होते हैं? बोले जो तुम्हें ब्रह्मा श्री नारायण के बारे में ठाकुर जी के बारे में 4 चीज बताएं। क्या क्या? बोले नाम रूप स्थान और लीला। नाम कैसे? बोले गुरु जी बनाते तो गुरु जी सबसे पहले नाम देते हैं कि इस मंत्र का नाम जप करोगे तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा होगी। ध्रुव जी कहने लगे महाराज एक बात बताइए नारद जी, इस जंगल में कहाँ गुरु ढूंढने जाऊं, क्यों ना आप ही मेरे गुरु बन जाइए, आप ही मुझे बता दीजिए भगवान को कैसे पाया जाए। नारद जी मन ही मन कह रहे हैं इस काम के लिए तो मैं आया ही हूं कि तुम्हें तुम मेरे शिष्य बन जाओ, मैं तुम्हारा गुरु बन जाऊं और तुम्हें ठाकुर जी का दर्शन जल्दी से हो जाए। ध्रुव जी कहने लगे महाराज फिर आप बताइए मुझे गुरु दीक्षा दीजिए। सबसे पहले तो ये बताइए सोयम शमो भगवता सुख दुखात्मतात्मनाम दर्शिता कृपया पुंसाम दुदर्शो अस्मत देस्तुय। मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूं, कहां जाऊं जो मुझे भगवान के दर्शन हो जाए। तताच गच्छ भद्रम ते यमुना यासतम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सन्निध्यम नित्यता हरे। ध्रुव तुम यमुना किनारे मधुवन नाम के वन में चले जाओ, वहां ठाकुर जी जो है नित्यता वही निवास करते हैं, जाकर के तुम वहां जाओगे भगवान का तप करोगे तुम्हें अवश्य ही भगवान के दर्शन होंगे। गुरु का कर्तव्य होता है सबसे पहले ठाकुर जी का स्थान बताना, कहां जाए जहां पे भगवान जल्दी मिले जाए। नारद जी ने सबसे पहले वह बता दिया।
पहले आए जब ध्रुव जी तो वापस लौटाने लगे। गुरु का कर्तव्य ये होता है कि शिष्य की परीक्षा भी लेना कि वास्तव में ध्रुव जो है भगवान को पाना चाहते हैं कि नहीं। कुमार जब घड़ा बनाता है तो जैसे उसको धीरे धीरे करके उसका आकार देता है और जब आकार पूरा हो जाता है तो उसको अग्नि में तपाता है। अग्नि में तपाता है यानी कष्ट देता है। जब अग्नि में तप जाता फिर उसके बाद उसको ठोक ठोक करके देखता है कहीं कच्चा तो नहीं रह गया। बाहर से तो ठोकता ही है किंतु अंदर से हाथ भी लगा देता है, सहारा भी लगाता है कि मैं ऊपर से ठोकूं तो कहीं ये टूट भी नहीं जाए। ऐसा ही गुरु का कर्तव्य होता है, भले ही वो हमें डांट रहे हो किंतु उनके अंदर कहीं ना कहीं उनका हमारे लिए समर्थन भी रहता है कि कहीं मैं डांटूं और ये बिल्कुल पीछे नहीं हट जाए। तो अपना हाथ भी गुरुवर पीछे से लगा करके रखते हैं कि धीरे धीरे अपने शिष्य को जैसे तैसे आगे बढ़ाते रहे। ध्रुव जी कहने लगे, प्रभु मेरे तप करा, भगवान मेरे सामने आ गए तो मैं उनको पहचानूंगा कैसे, भगवान दिखते कैसे हैं। श्री वत्सांकम घनश्यामम पुरुषम वनबालिनम शंख चक्र गदा पद्मेर व्यक्त चतुर्भुजम। हे ध्रुव, श्री वत्सांकम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम, जैसे वर्षा के बादल जब आसमान में छा जाते हैं ना, ऐसा ही हमारा जो बादलों का रंग होता है ऐसा ही उन घनश्याम का रंग है, नारायण का रंग भी वैसा ही। और उनके चतुर्भुज हैं, चार हाथ हैं, चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म चारों हाथों में सुशोभित है। कीरीटिनम कुंडलिनम केयूर वलयान्वितम कौस्तुभाभरणं ग्रीवं पीतकोशे वाससम श्रीमस्तक पर कीरीटिनम मुकुट विराजमान है, शिकानों में सुंदर कुंडल है, केयूर वलयान्वितम वनमाला पहन करके श्री ठाकुर जी तुम्हारे सामने दर्शन देने को आएंगे, कौस्तु मणि धारण करी होगी। हे ध्रुव, भगवान गरुण पर विराजमान होकर के तुम्हारे सामने दर्शन देने के लिए आएंगे। सबसे पहले बता दिया कि भगवान कहां मिलेंगे, दूसरे भगवान कैसे लगते हैं वो बता दिया। अब ठाकुर जी की लीला के बारे में बताने लगे। क्यों, लीलाओं के बारे में बताएंगे तभी तो मन भगवान में लगेगा। ध्रुव जी के लीला सुनाने लगे ठाकुर जी की, प्रभु आपने इतना सब कुछ कर दिया है, अब एक काम और बता दीजिए, मैं कौन से मंत्र का जाप करूं जो भगवान मुझसे अति शीघ्र प्रसन्न हो जाए। नारद जी कहते हैं, ध्रुव ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रेणानेन देवस्य कुर्याद द्रवमयी बुधा। ध्रुव जाकर के वन में ओम नमो भगवते का वासुदेव का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना, इससे भगवान जो है अति शीघ्र तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। श्री नारद जी से आज्ञा लेकर के ध्रुव जी जो है वन की ओर चल दिए। गुरु का कर्तव्य होता है अपने शिष्य को भगवान में लगाना। गुरु शब्द है दो अक्षर हैं, गु और रू। गु यानी अंधकार, रू यानी प्रकाश। जो व्यक्ति आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता हो वास्तव में वही गुरु है। गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो बिरंचे शंकर शरण चाहते हैं संसार सागर से पार होना तो जीवन में गुरु बनाना बड़ा आवश्यक है। सभी को जीवन में गुरु बनाना चाहिए।
गुरु की कृपा से ही साक्षात ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। ध्रुव जी को ही मंत्र की प्राप्ति होते ही मधुबन के किनारे आ गए, तप करने लगे, तप आरंभ करा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। तप करते करते एक महीना बीत गया, ध्रुव जी को लगा कि भगवान अब तक मुझकी मेरे ऊपर प्रसन्न क्यों नहीं हुए। ध्रुव जी क्या करते, तप करते, स्नान करके, संध्या वंदन करके तप करने बैठ जाते, फिर भोजन ग्रहण कर लेते, फल आदि जो मिल जाता यमुना जल को पी लेते, फिर वापस तप करते और रात्रि में विश्राम करने के लिए सो जाते। ऐसे करते करते एक महीना बीत गया, ध्रुव जी के मन में आया भगवान ऐसे प्रसन्न नहीं होंगे, जो समय फलाहार करने में जा रहा है अब मुझे वो त्याग देना चाहिए। ध्रुव जी ने अन्न को त्याग दिया, सिर्फ यमुना जल पी करके वहां पर तप करने लगे। इस प्रकार से 2 महीने बीत गए, मन में आया अभी भी ठाकुर जी मुझसे नहीं रीझ रहे, क्या करना चाहिए। बोले अब जल का भी त्याग कर दिया, अब जो प्यास लग रही थी अब उसके ऊपर भी नियंत्रण पा लिया, अब यमुना जल को भी नहीं पान कर रहे हैं, अब एक पैर के ऊपर खड़े होकर के दोनों हाथ ऊपर करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। समय बीतता गया, ध्रुव जी के मन में बड़ी अशांति हो गई कि ठाकुर जी आ क्यों नहीं रहे, मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे, अवश्य ही कोई ना कोई मुझसे भूल हो रही है। धीरे धीरे करके ध्रुव जी ने इतना कठोर तप करा कि जल भी त्याग दिया, भोजन भी त्याग दिया, अब जाकर के श्वास लेना भी छोड़ दिया, अब तो बिना श्वास के ही बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लग गए। जो इतना कठोर तप करने लगे, इंद्र का सिंहासन हिलने लग गया, इंद्र घबरा गया, ये पृथ्वी पर कौन तप कर रहा है, शायद कोई मेरा इंद्रासन पाना चाहता है तभी मेरा सिंहासन हिल रहा है। इंद्र देवताओं को लेके ब्रह्मा जी के पास आया, हे ब्रह्मा जरा देखिए तो सही ये कौन है छोटा सा बालक, ये किसके लिए तप कर रहा है। बोले इंद्र चिंता मत करो, ये तुम्हारे सिंहासन को नहीं पाना चाहता, ये तो भगवान नारायण के दर्शन करना चाहता है। सब ब्रह्मा जी सारे देवता वैकुंठ पहुंचे नारायण के पास, हे प्रभु आप जाकर के इस बालक को दर्शन दीजिए, अन्यथा इस तप इसके तप के कारण ये धरती जो है हिल रही है, धीरे धीरे करके ये धरती का विनाश हो जाएगा, प्रभु हमारी इच्छा है जल्दी से जाकर के आप इसको दर्शन दीजिए। जो नारायण के पास सब देवता स्तुति करने आए, भगवान नारायण ने मना कर दिया, हे ब्रह्मा हे इंद्र इस बालक को मैं दर्शन देने नहीं जाऊंगा। महाराज तो क्या चाहते हैं, ये छोटे से बालक के तप के कारण इस धरती पर प्रलय आ जाए। बोले नहीं नहीं नहीं, प्रलय तो नहीं आएगी, किंतु इस बालक को मैं दर्शन देने नहीं अपितु इस बालक के मैं दर्शन स्वयं करने जाऊंगा। ये छोटा सा 5 वर्ष का बालक इतना घनघोर कठिन तप कर रहा है, ऐसे बालक के तो दर्शन करने चाहिए। भगवान गोविंद गरुण पे विराजमान होकर के मधुबन में आ गए और जो ध्रुव जी के सामने आए, तएव मुत्सन्न मया उरुक्रमे कताव नामापय विस्त्रविष्टपम् सहस्त्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधुर्वनम् रत्तद्रक्षयागता। भगवान नारायण गरुण पे विराजमान होकर के ध्रुव जी के सामने आ गए। अरे ध्रुव आंखें खोलो, जो ध्रुव जी ने आंखें खोली भगवान को निहारने लगे। हाँ नारद जी ने कहा था गरुण पे विराजमान होकर के आएंगे, जैसा जैसा नारद जी ने कहा था वैसा ही मिलान करने लगे। जब सारे मिलान पूरे हो गए, जितने में ध्यान आई, अरे ये तो भगवान है, इतनी देर में ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। भगवान कहने लगे गरुण अभी ज्यादा दूर मत जाना, अभी यहीं रुकना, मेरा भक्त मुझे फिर से वापस बुलाएगा, फिर वापस वैकुंठ से आऊंगा तो समय लग जाएगा, इससे बढ़िया तुम यहीं रुक जाओ, जैसे ही बुलाए तुरंत यहीं से चल देंगे। भगवान अंतर ध्यान हो गए या ध्रुव जी सोचने लगे कि भगवान ने मुझे दर्शन दिए, ना मैं उनकी पूजा कर पाया ना वंदना कर पाया,
इस बार क्या करा ध्रुव जी ने, पहले से ही सारी तैयारी कर ली, जल लेकर के एक पात्र में इकट्ठा कर लिया कि भगवान आएंगे तो उनके चरणों को धोकर के चरणामृत का पान करेंगे, भगवान आएंगे तो पुष्प तोड़ करके ले आए और माला बना ली, ठाकुर जी आएंगे तो उनको माला पहनाएंगे। जैसे तैसे कहीं से चंदन कहीं से कुछ इकट्ठा करके वन में जैसा जैसा उनको मिलता गया वैसे वैसे तैयारी करी और वापस एक पैर पे खड़े होकर के दोनों हाथ ऊपर करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। जो जाप करने लगे इस बार ठाकुर जी तो पास में ही थे तो तुरंत ही सामने प्रकट हो गए, ध्रुव आंखें खोलो। जो ध्रुव जी ने आंखें खोली, जो ठाकुर जी के दर्शन करे नारायण के दर्शन करे वहीं पे साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दी, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी के मन में आ रहा है चरण धोले, लेकर के पात्र से ठाकुर जी के चरण धोए चरणामृत का पान कर लिया, माला पहनाने को जैसे ही आए ध्रुव जी छोटे से और भगवान इतने विराट और गरुण के ऊपर विराजमान होकर के आकाश में दिख रहे हैं, ध्रुव जी प्रयास कर रहे हैं प्रभु मैं आपको माला पहनाना चाहता हूँ कैसे पहनाऊं, भगवान ने आज्ञा दी गरुण थोड़ा नीचे हो जाओ, ये भक्त मेरा थोड़ा छोटा है ये मुझे माला पहनाना चाहता है तुम थोड़े से नीचे झुक जाओ। गरुण जी धरती पे आ गए, धरती पे जैसी धरती पे आए ध्रुव जी ने फिर से प्रयास करा फिर भी ठाकुर जी को माला नहीं पहना पा रहे, गरुण थोड़ा और नीचे हो थोड़ा और नीचे हो, गरुण जी ने पूरे पंजे मुड़ लिए अपने एकदम धरती से और चिपट गए किंतु फिर भी ध्रुव जी जो हैं ठाकुर जी को माला नहीं पहना पा रहे, गरुण थोड़ा और नीचे हो जाओ ये छोटा सा बालक ही तो है 5 वर्ष का, आओ आओ जल्दी से तुम नीचे हो जिससे मुझे ये माला पहना दे। गुरु जी ने बहुत देर तक तो प्रयास करा, जब सारे प्रयास असफल हो गए तो कहने लगे महाराज एक बात बताओ माला किसको पहनानी है, नारायण बोले ध्रुव को, माला किसको पहननी है बोले मुझको, तो आप मुझे क्यों झुका रहे हैं, क्यों ना आप नीचे ही आ जाए सामने, और जो ठाकुर जी नीचे उतर के आए तो भगवान भी ध्रुव जी के आगे झुक गए और माला पहना दी, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।